अब दोस्तों हम यहाँ पे अपना एक सिंपल जीयूआई बनाएंगे इस एप्लीकेशन में अपने चैट जीपीटी एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे हम यहाँ पे एनपीएम फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अपने मोबाइल में एक्सपो गो में जा कर के स्कैन कर लेना है ये क्यूआर कोड, ठीक है, जिससे कि हम कनेक्ट कर सके इसको। अब आप लोगों को यहाँ पे हमारा एक इंटरफेस दिख रहा है, ये जो हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ओपन योर ऐप डॉट जे एस, ये आपको हमारे मोबाइल में ये आपको अपने मोबाइल में एक्सपोगो में दिख रहा होगा, ठीक है। अब दोस्तों जो ये हमारा टेक्स्ट है इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव करोगे, ये रिजल्ट हमारे मोबाइल स्क्रीन पे दिखना चालू हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें आप अपना एक व्यू ऐड करेंगे जिसमें कि यूजर अपना क्वेश्चन एंटर कर सकता है, तो उसके लिए रिएक्ट नेटिव में टेक्स्ट इनपुट करके आता है, टेक्स्ट इनपुट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमारा एक यूजर जो हमारा एंट्री करेगा उसके लिए हम एक प्लेस होल्डर यूज करते हैं, इसमें एक फंक्शन है हमारा प्लेस होल्डर, इसमें हम ये डाल देते हैं एंटर योर क्वेरी ताकि हमारे यूजर को देखता रहे, ठीक है। अब हम इसे कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे, तो आप लोग देख सकते हो कि मोबाइल स्क्रीन पे ये एंटर योर क्वेरी हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब इसमें हम एक फंक्शन और ऐड करेंगे जिसमें यूजर अपना क्वेरी डाल करके जो पास करे उसके लिए हम यूज कर देंगे टेक्स्ट इनपुट, उसके लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है, और इसमें डाल देंगे सेंड, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो इंटरव्यू क्यूरी के नीचे सेंड आ चुका है, ठीक है। अब ये जो हमारा सेंड बटन है इसको हम लोग टचेबल बनाने के लिए यहाँ पे एक मेन्यू ऐड कर देंगे जिसको हम बोलते हैं टचेबल ओपासिटी, ठीक है।
और इसमें इसको यहाँ से कट करके इनके बीच में ला करके पेस्ट कर दूंगा। और फिर जैसे ही हम कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं टचेबल हो जाएगा। सेंड बटन पर क्लिक करने पे ये टचेबल है, ठीक है। अब चूंकि हमारा मोबाइल में वर्टिकली दिख रहा है, इसको हम हॉरिजेंटली करने के लिए यहाँ पे एक व्यू ऐड करेंगे। और फिर इसको कट करके यहाँ से टेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस व्यू में हम फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज करेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन और रो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे। अब देख सकते हो आप लोग, ये हमारा जो सेंड बटन है, ये हमारे इंटरव्यू क्यूरी के बगल में आ गया, ठीक है। इसके साथ आ गया, यानी रो में हो गया। तो हम यहाँ पे अपने सेंड बटन का कलर चेंज करेंगे, तो उसके लिए भी हम एक व्यू पॉइंट ऐड करेंगे पहले। और उसमें हम अपना यहाँ से इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट करूँ। यहाँ पर स्टाइल ऐड करेंगे, कलर इसको कर देंगे। अब इसके बाद कंट्रोल एस कर लेंगे, तो आप लोग देख सकते हो सेंड बटन मेरा ब्लू हो चुका है। हालांकि ये ब्लू इसको ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग कर देंगे रेड, ठीक है। और फिर यहाँ पर कंट्रोल एस कर, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हो हमारे सेंड बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अब चूंकि हमारे सेंड बटन की जो पैडिंग है वो सही से नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे पैडिंग वैल्यू सेट कर देंगे। देन हम यहाँ कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो इसकी पैडिंग थोड़ी सी बढ़ चुकी है। अब हम यहाँ पे एक और व्यू कंपोनेंट क्लियर क्रिएट करेंगे। और इसमें हम यहाँ से इसको कंट्रोल कट करके यहाँ पेस्ट करेंगे।
अब यहाँ पे हम इसे अपने एंटर और क्यूरी की मार्जिन सेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टाइल ऐड करूंगा। और इसके लिए होता है हमारा फ्लेक्स, फ्लेक्स मार्जिन लेफ्ट। और यही मार्जिन लेफ्ट यहां से उठा करके यहां पर भी सेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा ये लेफ्ट मार्जिन सेट हो चुका है इंटर योर क्यूरी और आपके सेंड बटन के बीच में, ठीक है। अब हम अपना ये रिजल्ट विल बी शोन हेयर को यहाँ पे सेंटर में दिखाएंगे, तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पे स्टाइल एड करेंगे। और यहाँ पे फ्लेक्सिबल वन रखेंगे और जस्टिफाई कंटेंट लेंगे, ठीक है। और इसको कर देंगे सेंटर। अब यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे तो आप देख सकते हो मेरा रिजल्ट विल बी शोन हियर सेंटर में है और ये हमारी क्वेरी और सेंड बटन नीचे आ गए, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा जीयूआई इंटरफेस और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चैट जीपीटी में क्वेश्चन अराइज करने का, कि आप क्वेश्चन अराइज करके टेक्स्ट फॉर्म, इमेज फॉर्म, इन सब में कैसे ले सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।